पोल्स लगाए गए हैं और काफी जगह अभी फाउंडेशन ही वर्क कंप्लीट किया गया है। इलेक्ट्रिकेशन की वायरिंग अभी नहीं हुई है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ओनली स्टेटू ब्रैकेट ट्यूब्स का वर्क कंप्लीट किया है। काफी डिमांड की थी, ऐसा हो सकता है आप बोलो जिसकी जर्नी हम ना करें। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सब। मेरा नाम है महेश और आज हमारी जर्नी होने वाली है 19813 कोटा हिसार एक्सप्रेस, जो कि कोटा से रोजाना रात 11:55 पर रवाना होती है। अगले दिन सुबह 11:50 पर यह हिसार पहुंचाती है। सो लगभग ये ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है 568 किलोमीटर का 11:55 में। हम आज इस ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं जयपुर जंक्शन से, जहाँ पर इस ट्रेन के आने की टाइमिंग है सुबह 4:55 पर। 15 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वीक में 3 दिन मंडे, थर्सडे और सैटरडे को वाया सीकर, चूरू, सादलपुर होते हुए हिसार के लिए चलती है और वीक में 4 दिन वाया सीकर, लुआरू, सादलपुर होते हुए हिसार के लिए चलती है। हम आज इसमें बोर्ड करने वाले हैं जयपुर जंक्शन से और आज की हमारी जर्नी होने वाली है जनरल कोच में। यहाँ पर ट्रेन का आने का टाइम आपको मैंने बता ही दिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी ट्रेन आने वाली है, चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। सो गाइस, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी हुई है जयपुर दिल्ली डुअल डेकर एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है कोटा हिसार एक्सप्रेस, जिसमें आज हम जर्नी करने वाले हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगी हुई है जयपुर हिसार DMU। तो कुछ ही समय में अपनी भी ट्रेन आने वाली है, मिलते हैं अभी ट्रेन के अराइवल पर। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी डुअल डेकर एक्सप्रेस के गेट ओपन नहीं किए गए हैं। सो गाइस, 17 मिनट की देरी के साथ अपना डिपार्चर हो चुका है जयपुर जंक्शन से।
ऑल राइट गाइस, 34 मिनट की देरी के साथ अब हम आ चुके हैं खाटू श्याम नगरी यानी रिंगस। स्टेशन कोड है RGS। यहाँ पर इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉपेज है और हम लोग यहाँ पर 34 मिनट डिले पहुँचे हैं। तो गाइस करीबन आधे घंटे के करीब ये अभी डिले चल रही है अपनी कोटा हिसार एक्सप्रेस, सभी कवर कर लेगी क्योंकि चूरू में इस ट्रेन का लोको रिवर्सल होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने एक स्टेशन स्किप किया था, किस लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी चोमुन संबोध को कवर कर चुका हूं। अभी तक आपने वो वाली जर्नी नहीं देखी तो जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि हमने जयपुर सादलपुर एक्सप्रेस से कवर की थी। सो गाइस 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद हम रिंगस से रवाना हो चुके हैं। 3 मिनट का स्टॉपेज था यहाँ पर, ओनली 2 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज लिया गया है क्योंकि ऑलरेडी 34 मिनट ये डिले पहुंची है रिंगस जंक्शन। अब यहाँ से अपनी लाइन डाइवर्ट हो जाएगी सीकर के लिए, एक लाइन निकलेगी यहाँ पे रेवाड़ी के लिए, एक यहाँ से आती है फुलेरा से और एक जयपुर से जिससे हम अभी आ रहे हैं। मिनट की देरी के साथ अब हम आ चुके हैं पलसाना। स्टेशन कोड है PLSN और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है और अभी अपनी ट्रेन 39 मिनट डिले चल रही है। मुझे लगता नहीं है यहाँ पर 2 मिनट का भी स्टॉपेज होगा, ओनली 1 मिनट का स्टॉपेज लेगी ट्रेन क्योंकि ऑलरेडी डिले चल रही है। अब चलते हैं, मिलते हैं इस ट्रेन के डिपार्चर पर। वैसे बता दूं मैं आपको, यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है और अभी यहाँ पर 10 ट्रेनें यहाँ पर होल्ड करती हैं। जब हम आ चुके हैं सीकर, स्टेशन कोड है SIKR। यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है और अब हमारी लाइन डाइवर्ट हो जाएगी फतेहपुर सेकावटी चूरू की ओर, जिसकी आप लोगों ने काफी ज्यादा डिमांड की थी। फाइनली आज जर्नी कवर कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ से ये रवाना हो चुके हैं अरावली एक्सप्रेस सीकर जंक्शन से और कुछ ही समय में अपनी भी ट्रेन यहाँ से रवाना होने वाली है क्योंकि अभी भी अपनी ट्रेन डिले चल रही है। इस साइड अरावली एक्सप्रेस जा रही है जयपुर की ओर और हम रवाना हो चुके हैं फतेहपुर सेकावटी चूरू की ओर। सो गाइस अब हम रवाना हो चुके हैं सीकर जंक्शन से। यहाँ पे अपनी ट्रेन करीबन 30 मिनट डिले पहुंची थी तो इस कारण से 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद यहाँ से ये रवाना हो चुकी है और काफी ज्यादा क्राउड था जिसके कारण से हम वीडियो भी शूट नहीं कर पाए। अब यहाँ से अपनी लाइन डाइवर्ट होगी फतेहपुर सेकावटी चूरू की ओर, जिसकी आप लोगों ने काफी डिमांड की थी। ऐसा हो सकता है आप बोलो जिसकी जर्नी हम ना करें, पर फाइनली आज हम जर्नी कवर करने वाले हैं
कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है इस रूट पे कंप्लीट दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाइए, ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, जिससे आपको न्यू जर्नी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, जिससे हम वीडियो अपलोड करें। अब हम आ चुके हैं लक्ष्मणगढ़ सीकर, स्टेशन कोड है LNH। यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है, यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है और अभी यहाँ पर 10 ट्रेनें यहाँ पर होल्ड करती है। वैसे मैं बताऊँ इलेक्ट्रिफिकेशन की बात, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ सीकर रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिफिकेशन की वायरिंग अभी नहीं हुई है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ओनली स्टेटो ब्रेक ट्यूब्स का वर्क कम्प्लीट किया गया है, वायरिंग अभी यहाँ पर नहीं हुई है। ध्यान से सुन लेना, फिर आप बोलते हो कि आपने सही तरह नहीं बताया, तो पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर ओनली अभी स्टेटो को ब्रैकेट ट्यूब्स का ही वर्क कंप्लीट किया गया है, पर यहाँ पर अभी वायरिंग नहीं की गई है। और कुछ भी डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, तो कभी भी आप पूछ सकते हो कुछ भी डाउट्स रह जाए। तो अब आपको दिखाते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर। अब आप सोच रहे हो कि मैंने स्टेशन पर जाकर किस लिए नहीं बताया, कोच स्टेशन से पीछे गए, मतलब स्टेशन अभी आगे, कोच पहले ही रुक गए स्टेशन आने से पहले, तो इस कारण से। तो अब आपको दिखाते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे एक मिरर मिल जाएगा, जो कि काफी थोड़ा सा आप गंदा बोल सकते हो, नहीं तो वैसे क्लीन है। इस साइड आपको एक LED लाइट या हैंगर, इस साइड बेसिंग टैप, और ये कुछ यहाँ पे डस्टबिन टूटा हुआ है,
वैसे आप इस साइड इंटीरियर देख सकते हो कितना बढ़िया है, बाहर का इस टाइप का इंटीरियर शायद मैंने किसी कोच में देखा हो, ऐसा नहीं हो सकता पर मैं पहली बार ही ऐसा कुछ इंटीरियर देख रहा हूँ। अब आपको वॉशरूम की कंडीशन और दिखा देते हैं। तो गाइस वॉशरूम में आते ही सामने आपको मिरर मिलेगा जो कि काफी गंदा है, इस साइड बेसिन टाइप मिल जाएगा और इस साइड डस्टबिन, पर कुछ आपको यहाँ पर अलग वॉशरूम देखने को मिलेगा अदर जनरल कोच के मुकाबले। आपने कभी भी ऐसा वॉशरूम नहीं देखा होगा, इस साइड आपको LED लाइट जो कि काफ़ी बढ़िया वाले हैं, और जगह आप देखोगे तो एक बल्ब लगा के रखते हैं या LED लाइट या CFL लगा के रखते हैं। इस साइड विंडो कुछ इस तरह का इंटीरियर है, इंटीरियर काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इस कोच का वॉशरूम का, पर गंदगी है यहाँ पर। जनरल कोच का है तो गंदगी तो होगी पर इतना भी गंदा नहीं होना चाहिए था गाइस, फिर भी काफ़ी बढ़िया इंटीरियर है इस वाले कोच का, मुझे काफ़ी बेस्ट लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप करते हैं रेगुलर इस जर्नी को। मिनट की देरी के साथ अब हम आ चुके हैं फतेहपुर सेकावटी, स्टेशन कोड है FPS, यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज और हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं 6 मिनट पहले। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पे वायरिंग अभी नहीं हुई, ओनली स्टे ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स का ही वर्क कम्प्लीट किया गया है। वैसे बता दूं कि यह 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर रोजाना 40 ट्रेन होल्ड करती है। इस साइड DMU लगी हुई है, यहाँ से डिपार्चर के लिए रवाना है। तो पहले आपको दिखाते हैं DMU कौन सी है, मुझे अभी मैंने देखी नहीं। वैसे आपको मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे अभी वायरिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, पीछे आपने देखा होगा कि कुछ पोलों पर अभी स्टे ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स भी नहीं लगाए गए हैं क्योंकि उन्हें अभी 90 डिग्री पर भी नहीं खड़ा किया गया है। वैसे स्टे ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स ऑलमोस्ट सभी पोल्स पर लगा दिए गए हैं। अब चलते हैं, ओनली 2 मिनट का स्टॉपेज है गाइस, मिलते हैं इस ट्रेन के डिपार्चर पर।
सो गाइज अब हम आ चुके हैं रामगढ़ से कवटी, स्टेशन कोड RSWT और यहाँ पर भी इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। गाइज यहाँ पर इस ट्रेन के आने की टाइमिंग थी 8:04 पर और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 8:35, तो आप देख सकते हो करीबन 28 मिनट डिले चल रही है अपनी ट्रेन। और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो आपको सेपरेट इसकी वीडियो चाहिए सीकर से लेकर चूरू तक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसके लिए मैं आपको इसकी सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पर। पर उसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा। अब चलते हैं, ऑलरेडी ट्रेन डिले है तो इस कारण से 1 मिनट मोस्टली रुकी होगी, तो आपको इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सीकर से और चूरू तक इसकी सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी जगह पोल्स लगाए गए हैं तो काफ़ी जगह अभी फाउंडेशन ही वर्क कंप्लीट किया गया है, तो फाउंडेशन में अभी पोल्स भी नहीं लगाए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेटूब और ब्रेक ट्यूब्स का भी वर्क कंप्लीट किया जा चुका है रामगढ़ से कवटी रेलवे स्टेशन पर, तो इस कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप बोलोगे तो आपके सीकर से और चूरू तक इसकी सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पर। अब दिखाते हैं यहाँ से डिपार्चर,
सो गाइज अब हम आ चुके हैं चूरू जंक्शन, स्टेशन कोड है CUR और यहाँ पर इस ट्रेन का 30 मिनट का स्टॉपेज है। अब आप सोच रहे हो 30 मिनट का स्टॉप किस कारण से, क्योंकि इस ट्रेन का अब होगा लोको रिवर्स। पहले हम जा रहे थे बीकानेर की ओर, अब हम रिवर्स होगा लोको, अब जाएंगे सादलपुर की ओर। और गाइज हम लोग यहाँ पर 3 मिनट बिफोर पहुँचे हैं, मतलब जो भी डिले थे सब कवरिंग हो चुकी है और 3 मिनट बिफोर हम चूरू जंक्शन पहुंच चुके हैं। अपने इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में देख लिया होगा कि कुछ जगह तो अभी पोल्स भी नहीं लगाए गए हैं, कुछ जगह ओनली चैम्बर्स ही तैयार किए गए हैं, या आप बोल सकते हो फाउंडेशन ही तैयार किए गए हैं। पोल्स अभी काफी जगह नहीं लगाए गए हैं, जिस जगह पोल्स लगा दिए गए हैं उन्हें 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया गया है, और 90 डिग्री पर खड़ा कर दिया गया है तो उन पर स्टेटूब और ब्रेक ट्यूब्स का भी वर्क कम्प्लीट हो चुका है, पर अभी वायरिंग का काम अभी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पर एक अभी हमने लिए समोसे, जो कि 10 रुपए का हमें समोसा मिला और इसके साथ एक सॉस भी है, तो चूरू से समोसे लिए। सुबह से कुछ भी नहीं खाया गाइस, नाश्ता भी नहीं किया, तो समोसा खाते हैं। अब मिलते हैं इस ट्रेन के डिपार्चर पर, अब हो रहा है लोको रिवर्स, तो आपको कपलिंग तो नहीं दिखा पाऊंगा, मुश्किल है क्योंकि अभी मैं समोसा खा के जाऊंगा, इतने तो कपलिंग हो जाएगी। तो मिलते हैं अभी इस ट्रेन के डिपार्चर पर। वीडियो बन गई अपनी,
गाइज हम आ चुके हैं सादलपुर जंक्शन। यहाँ से लाइन डाइवर्ट होती है चूरू लोहारू लाइन, सादलपुर हिसार लाइन और सादलपुर हनुमानगढ़ लाइन। अब ये ट्रेन जाएगी आगे हिसार की ओर और सादलपुर से हिसार का डिस्टेंस 69 किलोमीटर का है। और अपनी जर्नी थी सादलपुर तक ही और जर्नी को एंड करेंगे, पहले इस ट्रेन का दिखाते हैं डिपार्चर। सो गाइस कोटा हिसार एक्सप्रेस निकल चुकी है हिसार की ओर और अपनी जर्नी थी सादलपुर तक। जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करें जर्नी एक्सपीरियंस की तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। पंचुलिटी में ट्रेन देख सकते हो आप, चूरू से पहले काफ़ी डिले चल रही थी ट्रेन पर चूरू बिफोर टाइम पहुँच चुकी थी ट्रेन और सादलपुर भी करीबन 2 से 3 मिनट डिले पहुँची है। तो पंचुलिटी में आप ट्रेन देख सकते हो। इलेक्ट्रिफिकेशन आपको मैंने चूरू से और सीकर तक का दिखाई दिया है कि कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जयपुर से और सादलपुर तक जर्नल का फेयर हमें आया 95 रुपये। गाइस ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए। अब मिलेंगे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग यूजफुल धमाकेदार ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।